Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों के चर्चा के श्रृंखला में आज हम मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के बारे में बातचीत करेंगे महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता भी माना जाता है और आधुनिक भारत में जो भारत का स्वरूप होगा या भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ इन सब चीज़ों में जो गांधी जी की परिकल्पना है गांधी जी की जो सोच है गांधी जी ने जिस तरीके से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया इन सब आयामों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है महात्मा गांधी के बारे में जो हमारी चर्चा है वह दो भागों में होगी आज के इस भाग में आ, मैं आपको मुख्य रूप से महात्मा गांधी के का जो जीवन है उसका एक परिचय दूंगा उनके जीवन के दौरान घटी हुई कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में हम बातचीत करेंगे और आज के ही इस अंक में हम हमारी कोशिश होगी कि हम जो हिंद स्वराज है और उसमें जो महात्मा गांधी ने विचार व्यक्त किए हैं उसके आसपास भी चर्चा करें और उसके बाद हम उसकी कुछ आलोचनाओं पर ध्यान देंगे और बाद का जो दूसरा अंक होगा उस पर हम महात्मा गांधी के अन्य विचारों मिसाल के तौर पर ट्रस्टीशिप के बारे में उनका विचार या फिर महिला अधिकारों के बारे में उनका विचार पर्यावरण को लेकर जो उनके विचारों से कुछ सूत्र हासिल किए जा रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जाति के बारे में जो उनके विचार थे जाति उन्मूलन को लेकर अम्बेडकर और गांधी में जो वाद विवाद था उसके बारे में हम दूसरे भाग में चर्चा करेंगे अभी हम जो चर्चा करेंगे जैसा मैंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन और उनकी हिंद स्वराज पुस्तक के आसपास आज की जो हमारी चर्चा है उसकी रूपरेखा इस प्रकार से होगी हम उनके शुरुआत करेंगे उनके आरंभिक जीवन से फिर वो किस तरीके से विदेश में शिक्षा और दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष अस इसमें असहयोग आंदोलन नमक सत्याग्रह पूना पैक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम हासिल करेंगे हालांकि इसमें जो पूरा विमर्श है और जिस तरीके के तर्क सामने आए उसके बारे में हम दूसरे अंक में बात करेंगे और उसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन भारत विभाजन और उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जानेंगे और फिर हिंद स्वराज में उन्होंने जो आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है उसके समझ विकसित करेंगे स्वराज प्राप्ति का जो वो लक्ष्य रखते हैं या भारतीय राष्ट्रीयता को जिस रूप में परिभाषित करते हैं या जिस रूप में वो एक वैकल्पिक समाज का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं उन सभी पहलुओं के बारे में हम बातचीत करेंगे थोड़ी चर्चा हम गांधी और नेहरू के वाद विवाद को लेकर भी करेंगे जो हिंद स्वराज को लेकर हुई और अंत में कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन के साथ हम आज की चर्चा को विराम देंगे मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिम भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी से रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे उनकी माता पुतलीबाई थीं महात्मा गांधी पर माता की देख रेख और उस क्षेत्र की जैन परंपराओं का गहरा प्रभाव पड़ा इसने आगे चलकर महात्मा गांधी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन प्रभावों में सम्मिलित थे दुर्बलों में में उत्साह की भावना यानी दुर्बलों के प्रति उनकी मदद करने की भावना शाकाहारी जीवन आत्मशुद्धि के लिए उपवास तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सहिष्णुता मई अठारह में साढ़े तेरह वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह चौदह वर्ष की कस्तूरबाई मकन जी से कर दिया गया पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और उसे लोग प्यार से बा कहते थे यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था और उस समय बाल विवाह की प्रथा थी और आप बहुत सारे व्यक्तियों को महान व्यक्तित्वों को देखेंगे तो उनका विवाह भी बाल विवाह ही था मोहनदास और कस्तूरबा के चार संतानी हुई जो सभी पुत्र थे हरिलाल गांधी का जन्म अठारह में मणिलाल गांधी का जन्म अठारह में रामदास गांधी अठारह में जन्मे और फिर देवदास गांधी का जन्म उन्नीस में हुआ पुरबंदर में गांधी ने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर पर वह एक साधारण छात्र हैं मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज से कुछ समस्या के साथ उत्तीर्ण की गांधी के पिता का देहांत वर्ष अठारह में हो गया था ये आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहते थे और इनकी मां ने एक पत्नी व्रत रखने और मांसाहार ना करने की शर्त पर इन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी विदेश में अपने 19वें जन्मदिन के लगभग एक महीने पहले चार सितंबर अठारह को ये पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने आ, के लिए अपना नामांकन कराया फिर जब वापस आए तो उन्हें भारत में वकालत में कोई खास कामयाबी नहीं मिली इसी कारण से वह आ, उन्होंने अठारह में एक भारतीय फर्म से नेटॉल दक्षिण अफ्रीका में एक वर्ष के करार पर वक़ालत का कारोबार स्वीकार किया और यह उन दिनों ब्रिटेन का भाग था आ, और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी को और भारतीयों की तरह ही भेदभाव का सामना करना पड़ा आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैक टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था इतना ही नहीं पायदान पर शीर्ष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी थी और यह माना जाता है कि जो आ, महात्मा गांधी के जीवन का एक मोड़ है जहाँ पर वो सार्वजनिक जीवन की ओर मुड़े और जहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करना शुरू किया उसमें इन घटनाओं ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के कई होटलों पर उनके प्रवेश को भी वर्जित कर दिया गया इस तरह से बहुत सी घटनाओं में से एक यह भी था जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था जिसे उन्होंने नहीं माना ये सारी घटनाएं गांधी के जीवन में एक मोड़ बन गईं और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार हुई दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाया 1906 में जुलू दक्षिण अफ्रीका में नए चुनाव करके लागू करने के बाद दो अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया बदले में अंग्रेजों ने जुलू के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गांधी जी ने भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया उनका तर्क था कि अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जमा पहनाने के लिए भारतीयों को युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए एक बात हमें यह भी याद रखनी चाहिए महात्मा गांधी के प्रति के बारे में कि अपने जीवन के एक बड़े दौर तक वो अंग्रेजी शासन की न्यायपूर्णता में विश्वास करते रहें और उनकी यह कोशिश रही कि उसमें सुधार लाया जाए उसको बेहतर बनाया जाए और इसके लिए वो कई मौक़ों पर अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए भी तत्पर रहें आ, हालांकि धीरे 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 कर कर उनकी उनका जो विश्वास है वो पूरी तरीके से आ, हिल गया और बाद में 1920 के दशक में जब असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया तो अदालत में जब उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो महात्मा गांधी ने खुद अपनी इस यात्रा का बहुत ही जीवंत वर्णन किया है कि कैसे वो एक ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति समर्पित व्यक्ति से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरें या उनके मन में एक ऐसी व्यक्ति बनने की भावना बलवती होती गई जो कि कहीं से भी अभी के लिए तैयार नहीं था कि जो ब्रिटेन का शासन है वो न्याय का प्रतीक है या उसके शासन में लोगों का भारतीयों का भला हो सकता है तो इसको हम एक क्रमिक यात्रा के रूप में भी देख सकते हैं तो इस दौर में वो कुछ हद तक अंग्रेज़ों का सहयोग करने के लिए तैयार थे अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीयों को पद देने से इनकार कर दिया था इसके बावजूद उन्होंने गांधी के इस प्रस्ताव को मान लिया कि भारतीय घायल अंग्रेज सैनिकों को उपचार के लिए स्टेचर पर लाने के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकते हैं गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के सम्मानजनक नागरिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया और फिर वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुए 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से, से भारत लौट आए और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किए लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दों राजनीति तथा तो उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर ही आधारित थे गोगले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु भी माना और उनकी सलाह पर उन्होंने पूरे देश की यात्रा की उस समय अगर हम भारत की राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो वो एक ऐसा परिदृश्य था जिसमें कि दो तरह के धड़े थे जिन्हें बाद में और उस समय भी गर्म दल और नरम दल के रूप में जाना जाता था नरम दल के लोग संवैधानिक सुधारों की बात करते थे और ये बीसवीं सदी के पहले दशक की बात थी फिर कांग्रेस में विभाजन भी हुआ क्योंकि गर्म दल के लोग चाहते थे कि सिर्फ पिटिशन देने से याचिका देने से अनुरोध करने से कुछ नहीं होने वाला हो होना होगा, उग्र राजनीति की जरूरत है तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गर्म दल के नेता थे बाद में दोनों समूह जो थे वो मिले भी मुस्लिम लीग का भी उदय हो रहा था जो सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने चाह रही थी हिंदुओं के तरफ से भी हिंदू महासभा जैसे संगठन धीरे धीरे उभर रहे थे और पूरी पूरा जो माहौल था उसमें एक तरीके से वैचारिक भ्रम तो नहीं कहेंगे पर वैचारिक विविधता के साथ साथ एक सही दिशा की कमी जरूर दिख रही थी और गांधी ने उस कमी को भरने की कोशिश की अपने बाद के दौर की राजनीति में क्योंकि वो पूरी तरीके से जो नरम दल हैं उनकी बातों के महत्व को नकारते नहीं थे लेकिन वो हिंसा के प्रयोग के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने ये कोशिश की कि एक ऐसा साझा मंच बने और कांग्रेस उस, उस रूप में विकसित हो जिसमें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और वो हिंसा का प्रयोग किए बगैर जो अंग्रेज हैं उनके राज को चुनौती दें तो इस रूप में जब वो भारत जब आते हैं शुरुआती दौर में तो गोपाल कृष्ण गोखले की बातों से वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनके कहने पर वो पूरे देश की यात्रा भी करते हैं और फिर धीरे धीरे चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन से उन्हें लोगों को जागरूक करने में और अपने मुद्दों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने में कामयाबी भी मिली इन दोनों आंदोलनों की जब भी बात कही जाती है तो उसकी एक आलोचना आम तौर पर आ जाती है कि सारी मांगें नहीं मानी गई और एक जिसको क्रांतिकारी बदलाव कहा जा सकता है वैसा नहीं हुआ पर इन दोनों ही स्थानों पर महात्मा गांधी और उनके साथ खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े थे लोगों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने हक में बोलें अपने हक की आवाज़ उठाएं वास्तविक स्थिति जो थी उसको आ, उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर अंग्रेजी शासन को संवाद करने के लिए मजबूर किया गया तो और फिर लोगों की मांगों को काफ़ी हद तक मानने के लिए भी मजबूर किया गया तो इस तरीके की जो गांधी की पद्धति थी जिसमें लोगों को जागरूक करते थे तथ्यों के आधार पर जो शासन करने वाला समूह है जो समय अंग्रेज थे उन पर दबाव डालने की रणनीति अपनाते थे तो उसको उन्होंने काफी आगे बढ़ाया और धीरे धीरे जब बाल गंगाधर तिलक का उन्नीस में निधन हुआ तो महात्मा गांधी के हाथों में कांग्रेस का नेतृत्व तो आया अब नेतृत्व आया का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस के हर अधिवेशन की अध्यक्षता वही कर रहे थे एक सर्वमान्य नेता के रूप में धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर उनकी पकड़ मजबूत होती गई और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें असहयोग आंदोलन की काफी भूमिका रही और उसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था गांधी जी ने असहयोग अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में प्रयोग किया अप्रैल में तेरह अप्रैल उन्नीस में पंजाब में अंग्रेजी फ़ौजों द्वारा भारतीयों पर जलियावाला वाला बाघ नरसंहार हुआ इससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी अगस्त 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की दिसंबर 1921 में गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्य का को गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया उनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक नए उद्देश्य के साथ संगठित किया गया पार्टी में सदस्यता सांकेतिक शुल्क का भुगतान करने पर बल दिया गया और यह कहा गया कि पार्टी सबके लिए खुली हुई है पार्टी को किसी एक कुलीन संगठन के ना बनाकर इसे राष्ट्रीय जनता की पार्टी बनाने के लिए इसके अंदर अनुशासन में सुधार लाने के लिए एक पोत्सोपान समिति गठित की गई महात्मा गांधी ने यह भी कोशिश की कि जो कांग्रेस की प्रांतीय समितियां हैं वो भाषा के आधार पर गठित हों और उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली गांधी ने अपने अहिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति में शामिल करने के लिए विस्तार किया इसमें विदेशी वस्तुओं विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना सम्मिलित था और उन्होंने यह कहा कि सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए वस्त्रों का त्याग कर अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने इसके अलावा गांधी ने ब्रिटेन की शैक्षिक संस्थाओं तथा तो अदालतों का बहिष्कार करने पर बल दिया उन्होंने सरकारी नौकरियों को छोड़ने का तथा तो सरकार से प्राप्त तमगो और सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया असहयोग को दूर दूर से इसको सफलता मिलने लगी और इससे समाज के कई वर्गों की जनता में जोश और भागीदारी बढ़ गई फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ इसके बाद गांधी जी ने व्यापक असहयोग के इस आंदोलन को वापस ले लिया और ये एक हमेशा वाद विवाद का विषय रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास लेखन में कि इस पूरे निर्णय को कैसे देखा जाए और बहुत सारे लोग जो क्रांतिकारी नेता थे या कांग्रेस के भीतर भी जो कई नेता थे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि अगर देश के एक भाग में हिंसा की घटना होती है तो क्या इसके आधार पर इतना बड़ा आंदोलन इतनी बड़ी जागृति जो देश में आ रही है उसको रोका जा सकता है या इस ऐसे आंदोलन को वापस लेने का फैसला सही है क्योंकि व्यवहारिक स्तर पर जब भी कांग्रेस इस तरह का आंदोलन अगर चलाती तो देश में कोई ना कोई ऐसी छोटी घटना घटी जाती और यह भी कि कई लोगों का मानना था कि अगर शोषण का प्रतीक पुलिस थाना है तो वहाँ पर अगर गरीब किसानों ने हमला कर दिया तो पुलिस वालों की जान जाना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन यह इतनी बड़ी बात नहीं है जिससे कि पूरे सहयोग आंदोलन को वापस लिया जा सके गांधी का तर्क अहिंसा पर आधारित था और वह व्यवहारिक स्तर पर भी था और कुछ हद तक वह सैद्धांतिक स्तर पर भी था क्योंकि एक तरफ उनको यह लगा कि अगर इस तरह की हिंसा की छूट दी गई तो इस आंदोलन का दमन बहुत आसानी से अंग्रेज कर सकते थे और दूसरे स्तर पर उनका यह मानना था जो साध्य और साधन की पवित्रता पर उनका विश्वास गहरा था कि गलत साधन का इस्तेमाल करके सही साध्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है आप हमेशा ही इसके कई तरह की व्याख्याएं पा सकते हैं कुछ व्याख्याओं में इसे पूंजीपतियों के हित को बचाने की कोशिश के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है कि अगर मजदूर और किसान एकजुट हो गए और वो हिंसक हो गए तो पूंजीपतियों को बड़ा नुकसान हो सकता है कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यह जो एक घटना है वो भारत के इतिहास में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई और इस पर अब भी काफी वाद विवाद होता है लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि आप महात्मा गांधी का जो बिंदु था उसको आप समझ पाए होंगे क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इस तरह से अगर जो पुलिस वाले हैं अगर उनके परिवारों को हम समझा पाए कि ऐसा क्यों हुआ तब शायद यह आंदोलन चल सकता है कि आखिर उनके परिवार के लोग क्यों मारेंगे तो एक तरीके से एक करुणा की भावना थी पर कुछ व्यवहारिक कारण भी थे जिसके कारण उन्होंने इसको वापस लिया इसके बाद आ, दस मार्च उन्नीस को राजद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया उन पर मुकदमा चला उन्हें छह साल कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया लेकिन दो वर्ष के बाद ही उन्हें फरवरी 1924 में आँतों के ऑपरेशन के लिए रिहा कर दिया गया और इसी वर्ष उन्होंने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की यह एकमात्र ऐसा मौका था जब गांधी ने कांग्रेस के एक वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से लेकर 1928 की अधिकांश अवधि तक स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे हैं। कुछ लोग जो कि संसदीय राजनीति करना चाहते थे कांग्रेस के उन्होंने स्वराज पार्टी का कांग्रेस के भीतर ही गठन किया था और उसके माध्यम से वो विधानसभाओं या सं परिषदों में गए थे और वहाँ वो भारतीयों के पक्ष में मांग को उठाते थे और इसके अलावा इस दौर में गांधी अस्पृश्यता शराब अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ते रहे दिसंबर उन्नीस में गांधी जी ने कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा इसमें भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया था ऐसा न करने के बदले अपने उद्देश्य के रूप में संपूर्ण देश की आजादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहने को की चेतावनी अंग्रेजों को दी गई थी अंग्रेजी शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया उन्नीस के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ 26 जनवरी का दिन लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में आ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा मनाया गया इसके बाद गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया उन्होंने अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चार किलोमीटर तक का सफर तय किया और स्वयं नमक उत्पन्न किया भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला यह एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों ने अस्सी हज़ार से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा इस पूरे आंदोलन की या गांधी की का जो पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था उसकी जो खूबी थी वो यही थी कि इसमें आम लोगों की भागीदारी काफ़ी बढ़ी उनके भीतर एक तरह से मुक्त होने का एक की एक भावना भी भरी कि उन्हें यह लगा कि वो इसमें भागीदारी कर सकते हैं महिलाओं की काफ़ी भागीदारी बढ़ी तो इस लिहाज से ये आंदोलन ये आंदोलन काफ़ी सफल रहे लॉर्ड एडवर्ड इरविन द्वारा प्रतिनिधित्व वाली जो उनके नेतृत्व वाला वाली जो सरकार थी उस समय वो वायसर आए थे उसने गांधी के साथ विचार विमर्श करने का निर्णय लिया यह इरविन गांधी की संधि मार्च उन्नीस में हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की अपनी रजामंदी दे दी इस समझौते के परिणामस्वरूप गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया यह सम्मेलन गांधी और राष्ट्रवादी लोगों के लिए घोर निराशाजनक रहा इसका कारण सत्ता का हस्तांतरण करने के बजाय भारतीय कीमतों एवं भारतीय अल्पसंख्यकों पर आ, केंद्रित होना था आ, इसके अलावा लॉर्ड इरविन के उत्तराधिकारी लॉर्ड विलिंगटन ने राष्ट्रवादियों के आंदोलन को नियंत्रित एवं कुचलने का एक नया अभियान आरंभ कर दिया गांधी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और सरकार ने उनके अनुयायियों को उनसे पूर्णतया दूर रखते हुए आ, उनको प्रभावित यानी कि वो अपने अनुयायियों को प्रभावित कर पाएँ ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की कि वो उस पर बिल्कुल अक्षम हो जाए वो बिल्कुल प्रभावित करने की स्थिति में ही ना रहे तो ये एक घटनाक्रम था जो इस समय राष्ट्रीय आंदोलन में चल रहा था एक बड़ा घटनाक्रम उन्नीस में हुआ इस समय ब्रिटेन की सरकार ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को दो वोट का अधिकार दिया गया इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे यानी कि उसमें सिर्फ उम्मीदवार दलित ही होते और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी थी इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों को ही वोटों से चुना जाता सकता था गांधी इस समय पूना के यरोड़ा जेल में थे कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पद लिखकर इसे बदलवाने की मांग की लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी इस पूरे घटनाक्रम पर आगे हम अलग से विचार करेंगे आ, लेकिन गांधी का मुख्य तर्क यही था कि ऐसा करने से दलित हमेशा के लिए दलित बने रह जाएंगे और हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा तो वो नहीं चाहते थे कि देश में एक नए तरह का विभाजन पैदा हो हालांकि अंबेडकर को यह लगता था कि यह जो दलितों का प्रतिनिधित्व है उनका जो संवैधानिक और आर्थिक सशक्तिकरण है उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है लेकिन महात्मा गांधी के आमरण अनशन पर बैठने के कारण देश में एक माहौल बना कि महात्मा गांधी के जीवन को बचाने की कोशिश होनी चाहिए अंबेडकर कर भी पर भी काफ़ी प्रभाव दबाव पड़ा और फिर आखिर में अंबेडकर ने पुनः पैक्ट किया गांधी और कांग्रेस के साथ 24 दिसंबर 1932 को और इसमें यह कहा गया कि जो कम्युनल अवार्ड है या जो पृथक निर्वाचिका है उसको छोड़ा जा रहा है लेकिन इसके साथ ही जो अठहत्तर आरक्षित क्षेत्र थे पहले कम्युनल अवार्ड में उनको बढ़ाकर 148 करवा दिया गया इसके बाद गांधी ने दलितों के सशक्तिकरण के लिए कई काम आरंभ किए अंबेडकर के साथ उनका संवाद और बहस का संबंध बना रहा और जब हम दूसरे भाग में आएंगे जैसे मैंने पहले कहा तो हम इन पहलुओं पर ज़्यादा विस्तार से बातचीत करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन एक तीसरा बड़ा आंदोलन था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में छेड़ा गया गांधी न, 1942 ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया उन्होंने करो या मरो का नारा दिया हालांकि आंदोलन की शुरुआत होने से पहले ही 8 अगस्त की रात में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया किंतु आम जनता ने इस आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया यह माना जाता है कि इसके बाद अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अब उनके भारत छोड़ने का समय आ गया है आ, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के सभी बड़े नेता भले गिरफ्तार हो गए थे लेकिन यह आंदोलन देश के अलग अलग भागों में आम जनता ने चलाया बहुत सारे समाजवादी नेता जैसे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया उन्होंने भूमिगत होकर लोगों को संगठित किया अनेक अनेक स्थानों पर जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले उन्होंने अंग्रेजों को या अंग्रेजी सरकार को चुनौती दी वह अभूतपूर्व था और ये एक इस बात की, की तस्दीक करता था कि भारत के लोग अब किसी भी स्थिति में अंग्रेजी शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं इस पूरे आंदोलन में गांधी जी ने नारा भी दिया था करो या मरो डू और डाई और इस लिहाज से यह एक ऐसा आंदोलन था जिसे असल में जनता ने चलाया क्योंकि जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो जेल जा चुके थे धीरे धीरे भारत की आज़ादी का माहौल बनने लगा लेकिन भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत की विभाजन की मांग भी पाकिस्तान के जो निर्माता माने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग के द्वारा रख दी गई थी उस समय और महात्मा गांधी ने उस समय इसका बहुत तीखा विरोध किया था उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आ, पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा लेकिन आ, इसके बाद जिस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा उभरी देश के विभिन्न भागों में मुस्लिम लीग के राजनीतिक प्रस्ताव के कारण उसके कार्यकर्ताओं द्वारा एक तरीके से तोड़फोड़ की गतिविधियों गतिविधियाँ किए जाने के कारण उससे धीरे धीरे करके कांग्रेस के भीतर जो नेता थे चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों चाहे वो अबुल कलाम आज़ाद हों या जवाहरलाल नेहरू हों या और अन्य कई महत्वपूर्ण नेता उन्हें यह एहसास होने लगा कि भारत का विभाजन स्वीकार कर लेना ही एक बेहतरीन उपाय है एक अच्छा उपाय है क्योंकि उसके बाद एक शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय मूल्यों के आधार पर एक राष्ट्र राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है और इस दौर में उन्होंने उन लोगों ने गांधी पर भी दबाव डाला जिसके कारण उन्होंने भी आखिरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया लेकिन इस पूरे दौर में जो जनसंख्या एक देश की जनसंख्या दूसरे देश में आ रही थी खासतौर तौर पर जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ के पंजाब से हमारे देश की तरफ जो लोग आ जा रहे थे यानी कि आ, उन्हें मजबूरन वहाँ से अपना घर छोड़कर आना पड़ा तो उन्हें बहुत सारी हिंसा का सामना करना पड़ा और देश के अन्य भागों में भी हिंसक आ, दंगे शुरू हो गए और महात्मा गांधी लगातार ये कोशिश करते रहे कि इस तरह के जो दंगे हैं वो शांत हों और वो जगह जगह पर जाकर नोआखाली से लेकर कई अन्य स्थानों पर जाकर वो दंगों को शांत करने की कोशिश करते रहें लेकिन जो महात्मा गांधी की भूमिका थी उससे मुस्लिम कट्टरपंथी और हिंदू कट्टरपंथी दोनों नाराज थे हिंदू कट्टरपंथी ज़्यादा नाराज थे क्योंकि महात्मा गांधी मुस्लिमों को जो कि हिंदुस्तान में रह रहे थे उस समय और जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे उनकी सुरक्षा की बात कर रहे थे महात्मा गांधी यह बात कर रहे थे कि अगर अब पाकिस्तान बन चुका है तो भारत को उसके साथ एक ईमानदारी का व्यवहार रखना चाहिए और अगर कुछ आर्थिक संसाधन जिसका वायदा समझौते में पाकिस्तान को देने के लिए हुआ है अगर उसे देने तो उसे देने देना चाहिए कुल मिलाकर वो एक नैतिक स्थिति एक नैतिक मूल्य वाली बात कह रहे थे और ऐसी स्थिति में लगातार वो इन कट्टरपंथियों के निशाने पर आते जा रहे थे और ऐसे ही एक हिंदू कट्टरपंथी नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी और उसके बाद धीरे धीरे करके दंगे भी शांत हुए और भारत एक आगे की दिशा में आगे बढ़ा लेकिन निश्चित रूप से हमारे देश में की आज़ादी के आंदोलन में अलग अलग धाराएं थीं और उन सभी धाराओं ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया महत्वपूर्ण योगदान दिया और सबके सम्मान करने की ज़रूरत है सम्मान के साथ सबको याद करने की ज़रूरत है लेकिन इस बात पे भी कोई संदेह नहीं है कि वो महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने इस देश के लोगों में या इस देश के लोगों की एक बड़ी अनुपात में यह भावना भरी कि उन्हें अंग्रेज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है अंग्रेजी राज से डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि एक तरीके से निडर होकर उसका मुकाबला करने की ज़रूरत है चाहे वो उनकी सिविल नाफरमानी की बात हो या भारत छोड़ो आंदोलन का जो पूरा मुद्दा हो इन सब अवसरों पर जो आंदोलन उन्होंने छेड़े वो लोगों के भीतर काफ़ी गहरे स्तर पर सार्वजनिक जीवन से जुड़ने और अन्यायी कानूनों और अन्यायी शासन का विरोध करने की भावना भरने में सफल रही तो उनका योगदान यह कहा जा सकता है कि अन्य सभी धाराओं में सबसे प्रमुख रहा और इस लिहाज से वो एक महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में भारत में मौजूद हैं और उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था और इस रूप में गांधी का एक स्थान भारत में है लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनके विचारों को कैसे देख सकते हैं कुछ बातें जो पीछे जब मैं उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त वर्णन कर रहा था तो मैंने कहीं लेकिन जब हम उनके हमें उनके विचारों को देखना है तो हमें उनके लेखन के पास जाना होगा आ, उसमें हिंद स्वराज सबसे प्रमुख है जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ फिर आत्मकथा सत्य के प्रयोग के रूप में जो उनकी किताब है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह उनकी एक अन्य किताब है फिर कई अन्य छोटे छोटे बुकलेट हैं जो उनके विचारों को प्रस्तुत करते हैं उन्होंने इंडियन ओपिनियन यंग इंडिया और हरिजन जैसे साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया और उनके जो भाषण हैं उनके द्वारा जो लिखी गई चिट्ठियाँ हैं उसके आधार पर जो पूरा वांग्मय तैयार हुआ है वह सौ खंडों में उपलब्ध है और शायद उसमें कुछ और खंड अभी जुड़े भी हों लेकिन जो मुख्य बात हमें गांधी के विचारों को समझने आ, के लिए याद रखने की जरूरत है वह खुद महात्मा गांधी की बात है एक तो उन्होंने यह कहा कि उनके विचारों में अगर कोई अंतर विरोध दिखता है तो उस बात को ज़्यादा सार्थक माना जाए जो उन्होंने बाद में लिखा है और पहले वाली बात को खारिज कर दिया जाए क्यों क्योंकि गांधी कहते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में उनका भी लगातार विकास होता रहा और इस आधार पर उनके विचारों का परिष्करण हुआ लेकिन अगर हम उनके विचारों को समझना चाहते हैं एक पुस्तिका या पुस्तक में किस तरीके से उन्होंने विचार रखे तो उसके लिए हमें हिंद स्वराज पर ध्यान केंद्रित करना होगा ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महात्मा गांधी ने कभी भी हिंद स्वराज के अपने विचारों का त्याग नहीं किया 1945 में भी जब जवाहरलाल नेहरू को वो एक पत्र लिखते हैं और भारत के आगे के विकास की दशा और दिशा के बारे में बात करते हैं तो वहाँ भी वो हिंद स्वराज के अपने विचारों को दोहराते हैं जिसके बारे में मैं आगे कुछ चर्चा करूँगा मैं सिर्फ यहाँ यह कहना चाह रहा हूँ कि हिंद स्वराज गांधी के विचारों को समझने के लिए एक मुख्य पुस्तक है और इसकी आ, मूल रचना 1909 में गुजराती में हुई थी और यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पत्रिका है जिसे गांधी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा था आ, और यह वह समय था जब वो इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पर क्रांतिकारी लोगों से मिलकर थोड़े से वो उद्विग्न भी हुए थे क्योंकि उन्हें यह लगा था कि जिस रूप में ये लोग क्रांति या हिंसक रास्ते के माध्यम से भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं वह सही नहीं है लेकिन आ, इस पुस्तक में जो विचार आए उसे उससे अंग्रेजी सरकार परेशान हुई और उसे आ, इसमें यह कहते हुए अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह वाली सामग्री मौजूद है गांधी जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी निकाला ताकि बताया जा सके कि इसकी सामग्री राजद्रोहात्मक नहीं है अंततः 31 दिसंबर सन 1938 को इससे प्रतिबंध हटा लिया गया इस किताब में 22 प्रकरण हैं और इस किताब को एक संवाद के रूप में लिखा गया है इसमें गांधी जी एक संपादक के रूप में हैं और वार्ताकार किसी वाचक के रूप में बातचीत कर रहा है और उसमें एक सवाल आता है और फिर गांधी उसका जवाब देते हैं और ये एक तरीके के डायलेक्टिकल मेथड का भी उदाहरण है क्योंकि सवाल जवाब या बातचीत के या संवाद के द्वारा जो एक बातचीत की पूरी पद्धति है वह एक लंबे समय तक राजनीति शास्त्र के लेखन में मौजूद है प्लेटो के लेखन में भी इसको हम मौजूद देख सकते हैं तो मुख्य रूप से एक सवाल इस पुस्तक में एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और फिर वो उसका जवाब सामने आता है तो ये एक संवाद की शैली है इस पुस्तक में और इस पुस्तक में गांधी आधुनिक सभ्यता से जुड़े विविध आयामों की समीक्षा प्रस्तुत करते हैं वे आधुनिक सभ्यता को सैंतानी सभ्यता की संज्ञा देते हैं क्योंकि यह अत्यधिक दोहन शोषण और असमानता को बढ़ाता है वे रेलवे वकील और डॉक्टर जैसे आधुनिक पेशों की आलोचना करते हैं ये जो महत्वपूर्ण बात हमें याद रखने की जरूरत है कि वो आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता क्यों कहते हैं क्योंकि वह यह मानते हैं कि जो एक आम सभ्यता थी और जिसमें भारतीय सभ्यता को प्रमुखता से रखते हैं उसमें आ, उनके हिसाब से वह व्यक्ति के भीतर एक संतोष की भावना को भी जन्म देती थी और वो अपने आसपास के परिवेश से मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर अपने जीवन को यापन करता था लेकिन आधुनिक सभ्यता ने उसके भीतर ज़्यादा से ज़्यादा पानी की चाह पैदा की है जिसके कारण से वह दूसरे लोगों का शोषण करता है प्रकृति का अत्यधिक शोषण करता है और वह अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं चाहता है जैसे कि अंग्रेजी साम्राज्य यह चाह रहा, चाह रहा था कि पूरी दुनिया में उसका आधिपत्य हो एक छोटा सा द्वीप नुमा देश पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करके और वहाँ के संसाधनों का अपने लिए उपयोग करना चाह रहा था तो गांधी कहते हैं कि इस तरह की स्थिति आधुनिक सभ्यता के द्वारा बढ़ाएगी इसलिए यह शैतानी सभ्यता है और उसकी तुलना में वे भारत की सभ्यता को जो प्राचीन भारत में थी एक संतोष और जो छोटे छोटे संसाधन हैं उनके आधार पर संचालित सभ्यता के रूप में देखते हैं आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ को याद रखना होगा कि ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ भारतीय चिंतकों को पढ़ते थे और सिर्फ वो उनसे प्रभावित थे उनकी बातों को ही सामने लाने की कोशिश कर रहे थे असल में उनका संवाद जो एक पाठक के रूप में टॉलस्टॉय और थोरो जैसे चिंतकों से भी रहा और उन्होंने उनकी पुस्तकों को पढ़ा कुछ लोगों से उनके पत्र व्यवहार भी हुए कुछ लोगों से पत्र व्यवहार नहीं हुए लेकिन उनके लेखन से वो काफ़ी प्रभावित हुए तो ये एक पश्चिम और पूर्व यानी हिंदुस्तानी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच में वो संवाद की स्थिति भी हम उनके व्यक्तित्व के निर्माण में देख सकते हैं कि वो बार बार इस संवाद को कायम रखते हैं तो इस लिहाज से हिंद स्वराज में भी वो आखिर में इस तरह की पुस्तकों का जिक्र करते हैं लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि वो पश्चिमी सभ्यता की इस प्रवृत्ति के आलोचक हैं जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा की चाह को बढ़ावा देती है जो कि अन्य प्रकार की बुराइयों को जन्म देता है और इसीलिए उसे शैतानी सभ्यता की संज्ञा देते हैं वे रेलवे वकील और डॉक्टर जैसे आधुनिक पेशों की आलोचना करते हैं उनके अनुसार रेलवे ने अंग्रेजों को भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद की है वे देश के लिए के लिए अकाल महामारी और अन्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं रेलवे को उन्होंने इस तरह का खंडन किया कि रेलवे ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया है यह कहकर कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत राष्ट्र था तो वो इस चीज़ को रखते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में पहले भी था लेकिन जो रेलवे की उनकी आलोचनाएँ हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसे समझने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार हम इस बात को ज़्यादा मान लेते हैं कि जो रेलवे हैं या अन्य जो तकनीक हैं उन्होंने जीवन को सुगम ही बनाया है और ऊपरी तौर पर देखने पर यह बात सही भी लगती है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान से जा पाएँ पूरा देश जो है वहाँ लोगों का आपस में जुड़ाव बढ़ा अब एक जगह की अच्छी चीज़ दूसरी जगह जा सकती है तो इसमें कोई कमी नहीं है लेकिन गांधी कहते हैं कि इसके साथ साथ दो और चीज़ें हुई एक तो ये हुआ कि अंदरूनी क्षेत्रों का जो माल था जो संपदा थी वो अंग्रेज लाने में सफल हुए और दूसरा ये हुआ कि उसके साथ साथ कई तरह की बीमारियाँ और महामारी भी देश के अंदरूनी भागों में गई और इसके कारण से वो रेलवे को बुरा मानते हैं यहाँ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी का जो रेलवे का विरोध है उसका अर्थ यह नहीं है कि वो तकनीक के विरोधी थे यानी कि जब वो रेलवे की आलोचना करते हैं या डॉक्टर की आलोचना करते हैं तो ऐसा लग सकता है लेकिन उनका कहना ये था कि ऐसी तकनीक को अपनाया जाना चाहिए जो तकनीक मनुष्यों के श्रम का को विस्थापित नहीं करती है बल्कि उसमें अनुपूरक का काम करती है यानी कि आ, अगर वो सिलाई मशीन को एक अच्छी तकनीक या एक अच्छे मशीन के रूप में देखते थे बाकी अगर ऐसी तकनीकें आती हैं जो मनुष्यों के श्रम को विस्थापित करती हैं तो मनुष्यों के लिए कई समस्याएं लेकर आएंगी ऐसा गांधी तर्क देते हैं हिन्ाज में उनका यह कहना है कि भारत के उन्नति में वकीलों का योगदान सबसे अधिक है और वो यह कहते हैं कि जो वकील हैं वो आमतौर पर और महात्मा गांधी खुद एक बैरिस्टर थे तो उनका यह कहना है कि वकील आम तौर पर लोगों के बीच में समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि उनकी कोशिश होती है कि लोगों के बीच में जो एक द्वंद है जो एक खिंचाव है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि उनका मुनाफा बढ़े तो इसके कारण से यह भी जो एक चीज़ हमारे समाज में आई है जहाँ पर उनके अनुसार पहले लोग आमतौर पर अपनी समस्याओं को बातचीत से पंचायत स्तर पर स्थानीय स्तर पर सुलझा लेते थे वहाँ अब वकीलों के कारण वो समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा उलझती जा रही हैं उसी तरीके से उन्होंने डॉक्टरों की भी आलोचना की है और उनका यह कहना है कि जो डॉक्टर हैं वो आत्मभोगी बनने और जो लोग आत्मभोगी बने और ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं उसके लिए डॉक्टर ज़्यादा जिम्मेदार हैं उनका यह कहना है कि डॉक्टर जो हैं वो लोगों को इस दिशा में प्रेरित नहीं करते हैं कि वो एक अनुशासित जीवन जियें जी और वो कम से कम चीज़ों का उपभोग करें संयमित जीवन जिये जी बल्कि डॉक्टरों की सोच भी इसी दिशा में काम करती है कि कैसे मरीज जो है वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा का स्रोत बन पाए और जब वो मरीज़ को मुनाफे के एक स्रोत के रूप में देखता है तो वो एक डॉक्टर के रूप में अपने काम को नहीं कर पाता है और वो ये जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसको समाज में बढ़ाता ही हैं उसके अलावा गांधी यह भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों को अंग्रेजों बढ़ावा दिया और अंग्रेज़ों को उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की और भारत के गरीबों का खून चूसा तो ये जो एक अंग्रेजी शासन की भूमिका है उसमें ये उसकी आलोचना गांधी करते हैं और उन्होंने आधुनिक सभ्यता की अपनी आलोचना आ, करते हुए कहा है कि यह उस वृक्ष की तरह है जो एक जहरीला पौधा है जो अपने आसपास के सभी जीवन को नष्ट कर देता है हिंद स्वराज के एक अन्य अध्याय में उन्होंने भारत में शुरू की गई अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की जांच की और इसे झूठी शिक्षा के रूप में वर्णित किया उनका कहना है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य हमारी इंद्रियों को हमारे नियंत्रण में लाना और हमारे जीवन में नैतिक व्यवहार को अपनाने में मदद करना होना चाहिए वह मैकाली शिक्षा प्रणाली के उप, उप उत्पाद नौ उभरे अभिजात वर्ग की आलोचना करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उन्हें आ, भारत को ग़ुलाम बनाया यानी कि भारत को गुलाम बनाने में उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही तो मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको जब जिक्र होता है तो उसमें मुख्य रूप से हमें यह ध्यान रखना होगा कि मैकाले साहब भारतीयों को एक बेहतर क्लर्क बनाना चाहते थे ऐसे वो चाहते थे कि भारतीय अपने हिसाब से चिंतन ना करें बल्कि जो काम उन्हें कहा जा रहा है वो करने में बेहतर रूप से बने और एक तरीके से जो शिक्षा अपनाई गई वह शिक्षा गांधी के हिसाब से एक झूठी शिक्षा है और गांधी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि स्वराज को हासिल करके भारत एक अच्छी सभ्यता या सच्ची सभ्यता के दिशा में आगे बढ़ सकता है उन्होंने हिंद स्वराज के चतुर्थ अध्याय में एक बुनियादी कि सत्ता का मात्र से सच्चा स्वराज नहीं मिलेगा वह आगे कहते हैं कि इसके बिना अंग्रेजी की यह जो है वो एक तरीके से सिर्फ सत्ता हस्तांतरण होता है तो यह सच्चा स्वराज नहीं मिलता है तो जो नया शासन होगा वो अंग्रेजी शासन की तरह ही होगा उनका तर्क है कि उस स्थिति में भारत को हिंदुस्तान कहा जा सकता है लेकिन वास्तव में यह इंग्लिस्तान ही होगा अतः यह उनकी संकल्पना का स्वराज नहीं होगा अध्याय चौदह भारत कैसे स्वतंत्र हो सकता है में वह यह कहकर सच्चे स्वराज को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि यदि हम स्वतंत्र हो गए तो भारत भी स्वतंत्र हो जाएगा उनका मानना है कि यह स्वराज है जब हम खुद पर शासन करना सीख जाते हैं वह आगे कहते हैं कि ऐसा स्वराज में से प्रत्येक को अनुभव करना होगा यानी कि वो यह चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों के हिसाब से शासन या अपना जीवन व्यतीत ना करें बल्कि पहले उसका अपने आचरण पर नियंत्रण हो और वह अपने आचरण पर नियंत्रण करते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना सीखें जब वो अपने ऊपर शासन करना सीख लेगा तो वो सच्चे स्वराज के रूप में आगे बढ़ेगा गांधी भारतीय लोगों के लिए गृह शासन या स्वशासन के लिए स्वराज शब्द का उपयोग करते हैं वह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिगत भारतीयों के लिए स्वशासन के रूप में स्वराज और भारतीय लोगों के लिए गृह शासन या स्वशासन के के रूप में स्वराज के बीच में एक सहजीवी संबंध है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यदि व्यक्तिगत रूप से भारतीय लोग आप अपने ऊपर शासन करना सीख जाते हैं तो वो सामूहिक स्तर पर देश के स्तर पर भी एक ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जहाँ पर उनका अपना स्वशासन हो दूसरे शब्दों में भारतीय लोगों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला गृह शासन केवल उस सीमा तक ही सत्य होगा जब तक वे स्वयं शासक व्यक्ति बनने में सफल हो जाते हैं यानी कि अगर वो ऐसा नहीं होते हैं वो स्वयं शासक नहीं हो पाते हैं तो वो वास्तविक स्वराज नहीं होगा अध्याय पंद्रह में गांधी इस को सामने रखते हैं कि असली चुनौती हम हमारे लाखों लोगों को मुक्त करना है न कि केवल सरकार बनाना इसे कैसे हासिल किया जा सकता है इस पहलू पर आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि गांधी आ, सरकार बदलने को या अंग्रेजों को इस देश से भगा देने को ही भारतीयों की मुक्ति के रूप में नहीं देखते हैं तो उनके लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर यह एहसास हो कि वास्तव में वह अपने जीवन में क्या बनना चाह रहा है वह किस तरीके से अपने अबाध इंद्रिय चाहतों को नियंत्रित रखे कैसे अनुशासित जीवन जिए कैसे समाज के साथ यानी कि अन्य लोगों के साथ एक बेहतर संबंध बनाएं ये सारी चीज़ें जब तक सभी व्यक्तियों में नहीं आएगी वास्तविक अर्थों में स्वराज नहीं आ सकता है निश्चित रूप से अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना इसका एक बड़ा पहलू है लेकिन सिर्फ यही नहीं है स्वराज के रास्ते में मुख्य लक्ष्य इसे गांधी बार बार रेखांकित करते हैं आखिर यह स्वराज कैसे हासिल किया जा सकता है गांधी कहते हैं कि इसे हथियारों और हिंसा के इस्तेमाल से हासिल नहीं किया जा सकता है इसके दो कारण वो बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है पहला हिंसक विद्रोह के किसी भी उपाय के लिए हजारों भारतीयों को सशस्त्र होने की आवश्यकता होगी जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वो इसे एक तरीके से एक व्यवहारिक दिक्कत के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि आप बहुत सारे हजारों भारतीयों को हथियारबंद नहीं कर सकते फिर वो आगे कहते हैं कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि भारत हथियारों का सहारा लेता है तो भारत की पवित्र भूमि अपवित्र हो जाएगी कार्रवाई में भारत यूरोप से भी बदतर देश बन जाएगा और यानी कि वो हिंसा की निरर्थकता को साबित करते हैं कि वह भारत अगर इस तरीके से एक गलत रास्ते को अपनाता है यानी कि वो साध्य और साधन की पवित्रता की बात करते हैं कि अगर वो गलत साधन अपनाता है और गलत साधन अपनाकर स्वराज जैसे लक्ष्य को हासिल करता है तो वह लक्ष्य बेहतर लक्ष्य नहीं होगा पवित्र लक्ष्य नहीं होगा बल्कि भारत भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह बन जाएगा वह भारत के लिए स्वराज प्राप्त करने हेतु तो पार्श्विक बल के प्रयोग को सख्ती से अस्वीकार करते हैं वह इस तरह की अस्वीकृति के लिए एक नए तर्क पेश करते हैं एक तो साधन और साध्य में घनिष्ठ संबंध है आ, वो यह कहते हैं यानी कि जो मैंने पहले कहा कि वो ये नहीं मानते हैं कि आप गलत साधन अपनाकर अच्छा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं इस प्रकार वह भारतीय क्रांतिकारियों के इस बुनियादी सूत्रीकरण को खारिज करते हैं कि भारत को नैतिक और आ, नैतिक दोनों आधारों पर केवल हिंसक तरीक़ों से ही स्वतंत्र किया जा सकता है तो यहाँ उनका यह इस बात पर ज़ोर है कि किसी भी तरीक़े को अपनाकर आप भारत को स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं जो बहुत सारे लोग थे जो उस समय जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से वापस जा रहे थे अफ्रीका की ओर दक्षिण अफ्रीका की ओर और जब उन्होंने हिंद स्वराज लिखा था तो बहुत सारे क्रांतिकारियों से मिलकर आए थे और वो इस बात को लेकर काफ़ी बेचैन थे कि ये लोग हिंसक तरीक़ों के माध्यम से देश को आज़ाद करना चाह रहे हैं वो ये कहते हैं कि नैतिक स्तर पर भारत कभी भी हिंसक तरीके का उपयोग करके स्वतंत्र या स्वतंत्र नहीं हो सकता है, स्वराज हासिल नहीं कर सकता है तो वो एक तरह से इस बात का जवाब भी दे रहे थे कि किस तरीके से जो हिंसक हिंसा का प्रयोग करने या उसका समर्थन करने वाले लोग हैं वो गलत दिशा में हैं और वो उनका यह मानना सही नहीं है कि वो हिंसा का प्रयोग करके भारत को आज़ाद करा लेंगे इसके अलावा उन्होंने नरमपंथियों के इस विचार को भी खारिज कर दिया कि भारतीयों को केवल प्रार्थना और याचिका से मुक्त किया जा सकता है जब तक प्रभावी प्रतिबंधों का समर्थन नहीं किया जाता यह निरर्थक प्रयास होगा ऐसा गांधी मानते हैं इसलिए भारत को स्वराज की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेम बल या आत्मिक बल पर आधारित निष्क्रिय प्रतिरोध की आवश्यकता होगी जिसे बाद में सत्याग्रह भी कहा गया अध्याय सत्रह में उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला है वह निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा को व्यक्तिगत कष्टों से गुजरते हुए अधिकार हासिल करने की एक विधि के रूप में समझाते हैं यहाँ निहितार्थों द्वारा वह सापेक्ष सत्य की अवधारणा के आधार पर आत्मबल के प्रयोग को उचित ठहराते हैं वह आगे तर्क देते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का हथियार नहीं है बल्कि यह ताकतवर का हथियार है उन्होंने पूरी चर्चा को यह कहकर समाप्त किया कि वास्तविक घरेलू शासन केवल निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से ही संभव है यानी कि यह या एक ऐसा पवित्र रास्ता है एक ऐसा अच्छा साधन है जिसमें कि व्यक्ति खुद को कष्ट देता है खुद को पीड़ा देता है और इसके माध्यम से वह दूसरों के भीतर जो एक आ, करुणा की भावना है आ, या उसके भीतर जो वो गलत कर रहा है इसकी समझ की भावना है वह पैदा करने की कोशिश करता है और इस तरह के सत्याग्रह के माध्यम से ही वह एक अच्छे लक्ष्य को हासिल कर सकता है और भारत के जो लोग हैं वह इसी मार्ग से अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं और गांधी इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि यह एक आसान रास्ता नहीं है उनका यह कहना है कि अगर आपको आपके ऊपर कोई हिंसा करता है तो आप उसका हिंसा से ना जवाब दें बल्कि आप खुद कष्ट सहें और उस कष्ट के माध्यम से उस व्यक्ति के मन को बदलने का इंतज़ार करें या उसके उसे मन बदलने के लिए प्रेरित करें यह एक कठिन रास्ता है और यह उस रास्ते से ज़्यादा कठिन है जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हिंसा का प्रयोग करता है और हम उस पलट कर उस पर प्रयोग कर देते हैं हिंसा का तो ये आ, इस आधार पर ऐसे सत्याग्रहियों के आधार पर गांधी भारत की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना चाहते थे आ, एक और प्रमुख अवधारणा जो कि हिन्द स्वराज में सामने आती है वह भारतीय राष्ट्रवाद की समग्र प्रकृति की है हिंद स्वराज में गांधी ने यह तर्क दिया है कि अंग्रेजों के आने से बहुत पहले भारतीय लोगों ने एक राष्ट्र का गठन किया था उनका तर्क है कि विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि वाले लोग तब तक एक राष्ट्र बने रहेंगे जब तक वे एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप ना करने के सिद्धांत को बनाए रखते हैं एक तरीके से आ, वो महात्मा गांधी आ, यह कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद की जो एक आधुनिक अवधारणा है वह भारतीय संदर्भ में पूरी तरीके से प्रासंगिक नहीं है क्योंकि भारत के लोकपू में पहले से ही एक जुड़ाव की भावना रही है और यहाँ का राष्ट्रवाद उस राष्ट्रवाद की धारणा से अलग है हाँ जुड़ाव की जो भावना है वह प्रमुख है लेकिन इसके साथ ही वो यह भी स्वीकार करते हैं कि जो अलग अलग समूहों के लोग हैं वो एक साथ रह सकते हैं एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं और इस संदर्भ में वो एक बहुत गहन बयान देते हैं उनका कहना है अगर हिंदू मानते हैं कि भारत में केवल हिंदुओं को रहना चाहिए तो वे स्वप्न लोक में रह रहे हैं हिंदू मुसलमान पारसी और ईसाई जिन्होंने भारत को अपना देश बनाया है वे साथ ही देशवासी हैं और उन्हें केवल अपने हितों के लिए एकता में रहना होगा दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्रीयता और एक धर्म पर्यायवाची शब्द नहीं है और ना ही भारत में ऐसा कभी होगा एक तरीके से वह जो धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद है उसकी उस पर कुठाराघात करते हैं 1909 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में ही हम बाद में देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाने लगती है जो कई सारे हिंदू संगठन हिंदू महासभा जैसे संगठन सामने आते हैं वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर बल देने लगते हैं कई सारे ऐसे विद्वान जैसे सावरकर हैं वो सामने आते हैं जो कि अपने लेखन के माध्यम से हिंदुत्व के माध्यम से धर्म के आधार पर आ, अन्य धर्म के लोगों जिनका की जिनकी पुण्य भूमि भारत में नहीं है उनके अलग होने की बात करते हैं और उन लोगों को एक अलग समूह मानते हैं जिनकी पितृभू और पुण्यभू दोनों भारत में हैं। तो इसके विपरीत गांधी का जो विचार है वो शुरुआत से ही इस बात पर है कि जितने भी समूह इस देश में हैं जो इस देश को अपना देश मानते हैं वो सभी इस इस देश के वासी हैं और सबको एक दूसरे से प्रेम करना होगा और हिंद स्वराज में एक अन्य स्थान पर उन्होंने आ, इस ब्रिटिश थीसिस को खारिज किया कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं था बल्कि यह सदैव विभिन्न पंथों और समुदायों का समूह रहा है गांधी का यह मानना है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने भारत के चारों कोनों पर तीर्थ स्थल स्थापित करके हमारी राष्ट्रीय एकता और भारतीय राष्ट्रीयता की नींव रखी इस प्रक्रिया में उन्होंने हमारे लोगों की कल्पना को राष्ट्रवाद के विचार से भर दिया इस प्रकार हिंद स्वराज में गांधी ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की वास्तविक नींव रखी जिसके लिए वे जिए और मरे और हिंद स्वराज में वो एक वैकल्पिक समाज का दृष्टिकोण भी रखते हैं हिंद स्वराज एक वैकल्पिक समाज की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है एक अल्प विकसित रूप में एक नई सभ्यतागत रूपरेखा सच्ची सभ्यता से संबंधित अध्याय में उन्होंने इसे आचरण के उस तरीके के रूप में परिभाषित किया है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है वह आगे कहते हैं कि नैतिक व्यवहार किसी के दिमाग पर नियंत्रण हासिल करने के अलावा और कुछ नहीं है इसी अध्याय में उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय सभ्यता सच्ची सभ्यता होने के लिए उपयुक्त है उस समय तक वह इसके मूल मूल्यों को पहचान करते हैं यानी कि विलासता और आनंद के मामले में आत्मभोग की सीमा वह तय करता है वह पे, पैतृक पेशे पर जोर देता है ग्रामीण जीवन और राजाओं पर संतों का नैतिक नियंत्रण होता था अनावश्यक प्रतिस्पर्धा पर अंकुश होती थी और छोटे के लिए इसके प्राथमिकता पैमाने की प्रौद्योगिका और विकेंद्रीकृत राजनीति होती थी तो वो इसके मूल्यों की पहचान करते हुए इन बातों को रखते हैं कि कैसे एक सीमित और विकेंद्रीकृत जीवन होना चाहिए जहाँ पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण हो और लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करने की तरफ ध्यान ना दें वह मानते हैं कि वर्तमान समय में आधुनिक भारत इन पुराने मूल्यों से दूर होता जा रहा है लेकिन उनकी आशा भारत के भीतरी इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोगों पर है जो इसके पुराने परंपरा पर कायम हैं। इन सभी कठिन कार्यों को कौन करेगा इसके लिए वह नए सत्याग्रहियों के समूह में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं जिन्हें मोहरा के बजाय आदर्श की भूमिका निभानी चाहिए तो हिंद स्वराज में अन्य अवधारणाएं भी पूरी किताब में बिखरी हुई हैं स्वदेशी ब्रह्मचर्य प्राकृतिक उपचार एक नई शैक्षिक और कानूनी प्रणाली साधन और शादी के बीच में संबंध और कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में भी उन्होंने बाद में लेखन किया और उसके बारे में बताया पुस्तक के अंत में वह एक गंभीर घोषणा करते हैं कि उनका शेष जीवन उस तरह के स्वराज की प्राप्ति के लिए समर्पित होगा जैसा उन्होंने समझाया था और वास्तव में अपने भीतर अनुभव किया था यहाँ पर आगे बढ़ने से आखिर की तरफ आखिरी पड़ाव की तरफ जाने से पहले मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में इस बात को लेकर एक वाद विवाद हुआ कि किस तरीके से हिंद स्वराज के आधार पर देश को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए गांधी ने इस बारे में नेहरू को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने हिंद स्वराज में परिकल्पित सरकार प्रणाली के साथ खड़े रहने की प्रतिज्ञा की और उसके बाद नेहरू ने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्य और अहिंसा का पालन करने के लिए शहरी जीवन की तुलना में ग्रामीण जीवन अधिक उपयुक्त क्यों है उन्होंने लिखा सामान्य तौर पर कहें तो एक गांव बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा होता है और पिछड़े परिवेश से कोई प्रगति नहीं की जा सकती संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों के असत्य और हिंसक होने की अधिक संभावना होती है नेहरू ने आगे कहा कि लोगों को आवास शिक्षा स्वच्छता भोजन आदि के संदर्भ में कुछ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी भारी उद्योगों और परिवहन के आधुनिक साधनों को विकसित करना होगा इसलिए भारत औद्योगिकरण और शहरीकरण तथा तो तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति की प्रक्रिया से गुजरेगा इसे गुजरना होगा इतना ही नहीं भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सेना भी रखनी होगी अन्यथा वो दूसरे के अधिग्रहणात्मक प्रवृत्ति का शिकार हो सकती है इसके बाद नवंबर 1945 में वे इसमें शामिल होने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए आपस में मिलते हैं तेरह नवंबर 1945 को गांधी जी ने एक बार फिर से नेहरू को एक पत्र लिखा जिसमें उनकी बैठक से निकलने वाले समझौतों के प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया वहाँ कौन से बिंदु सामने आए थे वहाँ जो मुख्य बिंदु सामने आए थे वह यह कि सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो भोजन पेय वस्त्र आदि के मामले में ग्रामीणों और शहरवासियों के बीच समानता होनी चाहिए समाज की इकाई गांव या लोगों का एक छोटा और प्रबंधनीय समूह होगा जो अपने बुनियादी आवश्यकता के मामले में आप निर्भर होंगे और आपसे सहयोग करेंगे और एक तरीके से बहस का अंत था क्योंकि जब महात्मा गांधी ने यह सारांश नेहरू को भेजा तो नेहरू ने उसकी कोई प्रतिक्रिया दी या नहीं दी इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है अब यहाँ अगर हम इस पूरी चर्चा को एक कुछ बिंदुओं में लाने की कोशिश करें तो यह बात महत्वपूर्ण है कि गांधी जो शोषण और दोहन पर आधारित आधुनिक सभ्यता थी उसकी वो आलोचना करते हैं और वो उनका जो आदर्श है वो गांव केंद्रित और विकेंद्रित व्यवस्था थी जहाँ पर लोग कुटीर उद्योगों के आधार पर अपने जीवन का संचालन करें और उनके उपभोग पर सीमा हो वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाह रखने वाले समूह या व्यक्ति के रूप में विकसित में रूप में सामने ना आए गांधी ने तकनीक की भी आलोचना की जैसा कि मैंने पहले चर्चा की हमें यह समझना होगा कि जब हम आज के युवा के रूप में इन सभी पहलुओं को देखते हैं जो गांधी के विचारों में सामने आते हैं तो हमें वो थोड़े अनजाने से लग सकते हैं और जैसा कि नेहरू ने भी आ, कहा कि वो देश को गांव केंद्रित के बजाय शहर केंद्रित बनाना चाहते हैं तकनीक की मदद लेना चाहते हैं ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं बड़ी सेना रखना चाहते हैं तो इन सब पहलुओं में गांधी के विचारों को एक तरीके से उन्होंने अनजाना और पिछड़े हुए गांवों की के, के गौरवगान वाले विचार के रूप में प्रस्तुत किया लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी चाहिए वह यह कि महात्मा गांधी का हिंद स्वराज का लेखन जो अत्यधिक उपभोग की प्रवृत्ति है जो तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता की प्रवृत्ति है जिसने कि पर्यावरण के समस्या को जन्म दिया जिसमें जिसने कि सभ्यागत सभ्यतागत संकट पैदा किया है मनुष्यों के सामने उसके प्रति सचेत करने की कोशिश है और यह जरूर है कि उस रूप में शायद हम आज पूरी तरीके से रेल को खारिज ना कर पाएं उस रूप में शायद बहुत सारी सुविधाओं को हम खारिज ना कर पाए जो कि शहरी जीवन में लोगों को मिल रही हैं हम तकनीक को पूरी तरीके से ना न कर पाए लेकिन यह बात अवश्य है कि जो हिंद स्वराज का मॉडल है जिसमें कि उपभोग की सीमा तय करने की बात कही गई है जिसमें कि साधन और शादी की शुद्धता की बात कही गई है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी लोगों को बराबरी का एक अधिकार देने वाला वाली व्यवस्था बने तो उन सब दिशाओं में जब तक तो कोई समाज आगे नहीं बढ़ता है चाहे वो भारत का समाज हो या दुनिया का कोई भी समाज हो तब तक वो वास्तविक सभ्यता की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है तो इस लिहाज से जब हम हिंद स्वराज को देखते हैं कि जो सभ्यतागत संकट है उसके सामने एक वैकल्पिक मॉडल तो शायद हम हिंद स्वराज में महात्मा गांधी की कही गई बातों के अर्थ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और निश्चित रूप से कुछ सीमाएं इस इन विचारों में हमें इसलिए भी लगेंगी क्योंकि तकनीक का प्रभाव हमारे जीवन में लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन उस प्रभाव में भी हम किन तकनीकों को स्वीकार करें किन तकनीकों को स्वीकार ना करें इसके बारे में ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है इस पूरी चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं आपको महात्मा गांधी के जीवन और हिंद स्वराज में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को आ, रख पाया होऊंगा संक्षिप्त परिचय दे पाया होऊंगा उन विचारों के बारे में और आगे हम महात्मा गांधी के बारे में एक और एपिसोड करेंगे जिसमें हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो अन्य तमाम पहलू हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आए उसके बारे में महात्मा गांधी का क्या विचार था उन्होंने उसको कैसे देखा तो आज की इस चर्चा को हमें विराम देते हैं अगले अंक में हम मिलेंगे और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की श्रृंखला में एक अन्य चिंतक के बारे में विस्तार से विचार विमर्श करेंगे नमस्कार